हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पे बेस्ड हैं। इन क्वेश्चन को आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आप एक नोटबुक और पेन रखिए अपने पास, और जैसे जैसे क्वेश्चंस मूव होते हैं वैसे वैसे आप अपने आंसर नोट कीजिए और इस तरीके से अपने को स्कोर दीजिए। तो आई होप आप अपने को अच्छा स्कोर देंगे। तो हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनाइड्स। इसके ऑप्शंस हैं सीरियम, प्रोमीथियम, गैडोलीनियम, लुटेशियम। अगर आपको याद है तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर पे डिस्कस किया था कि लैंथेनाइड्स में प्रोमीथियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शंस हैं हाइड्रेशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर है हाइड्रेशन एनर्जी। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें आपकी ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है +2 आयन से। विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो स्टेबल +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन है आपके लैंथेनम सीरियम, यूरोपियम गैडोलीनियम, यूरोपियम सीरियम, लुटेशियम सीरियम। इसका आंसर है यूरोपियम सीरियम, क्योंकि यूरोपियम में +2 और सीरियम में ये +4 ऑक्सीडेशन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में रहते हैं। यूरोपियम +2 में ये 4F7 के फॉर्म में और C+4 में 4F0 के फॉर्म में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई इन द फॉलोइंग्स। ये इनके ऑप्शंस हैं लैंथनम आयन, समैरियम आयन, गैडोलियम आयन और लुटेशियम आयन्स का के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। इसमें हमारा आंसर है, फर्स्ट आंसर है लैंथनम आयन इज ग्रेटर देन समैरियम आयन इज ग्रेटर देन गैडोलीनियम आयन इज ग्रेटर देन लुटेशियम आयन, क्योंकि जैसे जैसे हम लैंथनम से लुटेशियम की ओर मूव करते हैं तो आपका जो आयनिक रिडाई होता है वो आपका डिक्रीज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक इन लैंथेनाइड्स। ऑप्शन हैं आपके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, समैरियम हाइड्रोक्साइड, गैडोलीनियम हाइड्रोक्साइड और लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा अभी हमने बोला कि जैसे जैसे हम लैंथेनम से लुटेशियम आयन की ओर मूव करते हैं तो आपका जो आयनिक साइज होता है वो आपका डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे को लुटेशियम आयन का साइज सबसे छोटा है, इस वजह से लुटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन का के बीच में आपका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इस वजह से ये लुटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका लीस्ट बेसिक है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन इजीली रिलीज नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज हैज इनवेरिएबल अक्रेंस विथ हैवियर लैंथेनाइड्स। ऑप्शन है स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट्रियम, आयरन। ये सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स में आपका इट्रियम जो कि आपका 4D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है उसका साइज आपका हैवी लैंथेनाइड से काफ़ी सिमिलर होता है, इस वजह से वो नेचुरली हैवी लैंथेनाइड्स के साथ मिलता है, उनके साथ एसोसिएट रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑल एफ ब्लॉक आयन हैव इक्वल साइज, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव इक्वल साइज, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव इक्वल साइज और आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल हैव इक्वल साइज। अगर आपको याद है तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में डिस्कस भी किया था, उस वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जिरकोनियम एंड हाफनियम जो कि 4D और 5D एलिमेंट है इनका जो साइज होता है वो इक्वल होता है। अगर हम जिरकोनियम और हाफनियम की बात करें तो ये दोनों ही आपके सेम ग्रुप के हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम आपका ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम का साइज जिरकोनियम से ऑलमोस्ट क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है, अदरवाइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे
आपके साइज इंक्रीज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड हैज F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन है टर्बियम +3, टर्बियम +2, लुटेशियम +3 और आपका अबियम +3। इसका आंसर है आपका इटर्बियम +2। यहाँ पे को इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका 4F14 6S2 होता है, और एस के जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपका ये YB+2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CeO2 सीरियम ऑक्साइड एडॉप्ट्स फ्लोराइड स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रूटाइल स्ट्रक्चर और वुडजाइट स्ट्रक्चर। इसका आंसर है ए फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जैसे ये कैल्शियम फ्लोराइड के तरह ये भी सीरियम ऑक्साइड भी आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, और जिसमें ये आपका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम इन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज 8, 10, 12, 14। सेरिक अमोनियम नाइट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें अमोनियम आयन और सेरिक नाइट्रेट आयन के फॉर्म में रहता है। ये सेरिक नाइट्रेट आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे को 6NO3 ग्रुप्स एज ए लिगेंट वर्क कर रहे हैं सीरियम के साथ, और ये जो लिगेंट है ये बाइडेंटेड लिगेंट होता है, तो इस वजह से जो सीरियम का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है, क्योंकि एक NO3 का एक ग्रुप आपका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह वर्क करता है। विच एलिमेंट इज नॉट ए रियर अर्थ एलिमेंट, स्कैंडियम, इट्रियम, हाफनियम और आपका इटर्बियम। तो इसका जो आंसर है आपका वो है हमारा हाफनियम, क्योंकि जो स्कैंडियम और इट्रियम आपका लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ आपके रियर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ये दोनों ही आपके ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, बट लेकिन ये रियर अर्थ एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज इज +1, +3, +4, +6। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। इसका आंसर है हमारा +3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F, फिलिंग ऑफ 4D बिफोर 4F, पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5D, फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 4D। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो मेन रीजन होता है वो होता है आपका पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ 4F ऑर्बिटल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैडोलिनियम इज जेओन, इसका ये इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 4F7, 5D1, 6S2, 4F8, 6S2, 4F7, 6S2, 4F6, 5D2, 6S2। तो इसका आपका आंसर है आपका 4F7, 5D1, 6S2, A, क्योंकि यहाँ पे को हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5D इलेक्ट्रॉन में मूव कर जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके ऑप्शंस हैं आपके, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड, एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइड आयन डिक्रीजेस, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस हैव वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। तो जैसे हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लिया है, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो ल्यूटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो लीस्ट बेसिक होता है, तो ऑफकोर्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन हमने डिस्कस किया था, जिरकोनियम हाफनियम सेम साइज़ के होते हैं बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में मूव करते हैं वैसे वैसे इनका आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस हैव वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस में 4F सबशेल
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से लिगेंड के साथ लैंथेनाइड आयंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो इस वजह से इनमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो आई होप आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।